जैसे मेहर साहब ने बताया कि हमारी मंशा किसी तरह का भी अशांति पैदा करना हमारा निशाना नहीं है, ना कोई हमारी इसके ऊपर कोई ऐसी इशू है कि हम तो ऐसा किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया, ये आज से नहीं बना, ये 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे कि समय कम है हमारे पास, तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टालमटोल की नीति है। सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की हैं। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है, लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे कि किसानों को रोकने के लिए इतने इतने बड़े बैरिकेड्स लगाएं, तो ये उचित बात नहीं होती। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे, वहाँ दिल्ली बैठने की व्यवस्था बना दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी नहीं यह सरकार करना चाह रही, तो फिर हमारी मांगे हैं वो मान ले। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी सरकार जो वहाँ दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े फैसले लेती है हमारे आम देश पूरे देश के लोगों के लिए, वो आज अपने किसानों के लिए एक बयान नहीं दे सकते कि भाई किसानों का हम ये मामला उनके फसलों की खरीदी का गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार हैं, बनाते हैं, तो किसान भी शांत रहे। हम शांत हैं, किसानों को शांत कहने की किसी की जरूरत नहीं है, किसान पहले से ही पूरी तरह शांत हैं। सिर्फ उनकी एक हाथ आगे बढ़ रहे बढ़ेगा तो किसान अपने आप दो हाथ आगे बढ़ाता है। सो इसलिए मैं किसानों और नौजवानों को भी ये अपील करूंगा कि देखिए आज जिस तरह का माहौल है, सरकार जिस तरीके से अपनी जिद पे अड़ी हुई है, ऐसे हालात को बड़े दिमाग से बड़ी समझदारी से हमें हैंडल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपा खो बैठें।